वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है हेल्दी रोटी। तो इस रोटी में सारा सब्जी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नुकसान करेगी। तो अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ये वाली रोटी ज़रूर आप बना करके ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और साथ साथ फ़ायदेमंद भी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी कॉल पर सेट करें ताकि आने वाली कोई भी नई नई रेसिपी आप मिस न कर पाएं। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है। ये पालक है, इसको हमने सारे सब्जियों को हमने अच्छी तरह से धो करके और काट लिया है। और ये आधा घिया है और ये हरी मिर्च है, दो हरी मिर्च हमने लिया है। ये फ्रांस बीन है और ये गाजर है और ये है सोयाबीन और ये दो हमने लहसुन की कलियां ली हुई है। इधर हमने गैस पर रख दिया है पानी उबलने के लिए और पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर हम ये सारे सब्जी को ऐड कर देते हैं। और इन्हें 10 मिनट के लिए हम उबलने देंगे कि जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। ये हरी मिर्च भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे और ये सोयाबीन और ये लहसुन। इसके बाद हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रखने देते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए गाजर तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, घिया भी हो गया है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको। वो देखिए हम इसका पानी छान करके ले लिया है और इसे ठंडा भी हो गया है। तो इसे डालेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे हम पीस लेते हैं। तो इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बस ऐसे ही डाल करके इसे हम पीस लेंगे, बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सारे हमने नए सब्जियों को पीस लिया है और पीसने के बाद इसे हम कर देते हैं साइड में। और हमने ले रखा है ये 2 कटोरी आटा है, तो इसमें पहले सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच, तो इसे हम हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके डालेंगे। तो इसमें ज्यादा मसाला नहीं ऐड करना है, अगर आपको तीखा करना है तो आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च। तो हमें नहीं डालना है क्योंकि हम हेल्दी वाला बना रहे हैं। और इसमें हम पानी भी अभी ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम आटा को गूंद लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम ऐड करेंगे पानी को। हमारा गूंद चुका है और इसमें 1 चम्मच भी हमने पानी ऐड नहीं किया है, जो सब्जी हमने पीस करके रखा था उसी से हमने आटा को गूंद लिया है। अब बनाते हैं इसकी हम रोटी। आप रोटी बना सकते हैं, अगर आपको रोटी मन नहीं है तो आप पराठा भी बना खा सकते हैं। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं आप, अगर डाइट फूड खाना चाहते हैं तो आप रोटी बनाकर खाइए। तो लेते हैं हम एक छोटा सा लोई और इसे हम बेल लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने अच्छी तरह से ये इसको सेल्फ को साफ कर लिया है और सूखा आटा लपेट करके इसे हम बेल लेते हैं। तो देखिए हमने गैस पर रख दिया तवा, तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पे हम डाल देते हैं। तो इसे हम पलट लेंगे। अगर हेल्दी आप डाइट पे हैं तो आप ये जरूर बना करके खाएं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक गया है, तो इसे हम फुला लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर घी कुछ भी लगा खा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह करके हम दूसरा भी बना लेंगे, इसके बाद हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं।
तो देखिए ये हमने रोटी बनाया है, इसके साथ है ये पालक वाली दाल, और ये है तीखी टमाटर प्याज की चटनी, और ये है वेजिटेबल रायता। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।